ताज़ियों की अपनी अपनी रवायत होती है। जो कदीमी दौर के ताज़िये हैं जैसे कि 100 साल 70 साल, वो क्या करते हैं, यहाँ आते हैं अपना ताज़िया ठंडा करने के बाद वो वापस कपड़ा बांध के ले जाया जाता है, ठीक है। और जो जैसे जिसकी अपनी मुराद होती है वो कुछ पानी में डाल दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है ताज़िया। आपके पास माचिस की तीलियों से बना हुआ ताज़िया है, तो उसको बनाने में कितना टाइम लगा और कितनी लागत आई? मुसलसल इसमें जो है 1 महीना लगा है और तकरीबन ये समझ लो कि 100 रुपीस आए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हक पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद अरफात आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं हक पाकिस्तान। आज की वीडियो बनाने का असल मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों की नॉलेज में ये बात लाना कि किस तरीके से यौम आशूरा पर ताज़ियों का जुलूस बरामद किया जाता है और उनको किस तरीके से ठंडा किया जाता है। इस पूरी वीडियो को देखें और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ताज़ियों को ठंडा किया जाता है। ये जो ताज़िया मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है, इसको बनाने में कितना टाइम लगा? ये तकरीबन 15 से 20 दिन लगता है। 15 से 20 दिन इस ताज़िये को बनाने में लगे। अच्छा सर, ये बताएं कि अभी हम पुल पे खड़े हैं और इसको आप ठंडे करने का प्रोसेस जारी है, तो इसका क्या प्रोसेस होता है आप ज़रा बताएंगे? इसको ये होता है कि हम जब पानी समुद्र का पानी ला के उसको ठंडा करते हैं। पीछे जो ताज़िया खड़ा है माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बनाया है आपने, तो मुझे बताएं कि कितने अरसे में ताज़िया मुकम्मल होता है? ये ताज़िया टाइमिंग होती है इसकी, जैसे 10 दिन में भी होता है, 15 दिन में भी होता है। ताज़िये की नौजत के ऊपर बात होती है, जिस तरीके का ताज़िया हो उतना टाइम लेता है। ताज़ियों को ठंडा करने का प्रोसेस क्या होता है? देखिए, ये ताज़ियों की अपनी अपनी रवायत होती है। जो कदीमी दौर के ताज़िये हैं जैसे कि 100 साल 70 साल, वो क्या करते हैं, यहाँ आते हैं अपना ताज़िया ठंडा करने के बाद वो वापस कपड़ा बांध के ले जाया जाता है, ठीक है। और जो जैसे जिसकी अपनी मुराद होती है वो कुछ पानी में डाल दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है ताज़ियों। अच्छा, इनमें से कोई ऐसी चीज़ जो मखसूस चीज़ जो आप रख लें और बाकी ताज़िया मतलब डुबो दें, इस तरह कुछ है? देखिए, ये सारी इम्पोर्टेंट होती है, सही है। मैं मिसाल के तौर पर आप ये पूरा ताज़िया देख रहे हैं, है। पूरा काम का, इसमें से सिर्फ इसकी पन्नी है वो वेस्ट करी जाएगी समुंदर में, और इस तरीके के दूसरे ताज़िया आते हैं वो छोटे होते हैं, उसमें क्या करते हैं वो ताज़िया लेते हैं, वो पूरा ठंडा कर दिया जाता है। अपने अपने रवायत अपने अपने लोगों ने असूल बनाए। मेरे साथ मौजूद हैं फिदा हुसैन, जिन्होंने अपनी फनकारी से बहुत ही नायाब और बहुत ही खूबसूरत ताज़िया बनाया है, जो कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा। अब बात करते हैं फिदा हुसैन से कि उन्होंने कितने टाइम में इस ताज़िये को बनाया। इतना खूबसूरत ताज़िया आपने बनाया है, कितना टाइम लगा इसको बनाने में? 3 महीने। 3 महीने से आप इस पर काम कर रहे हो। दूसरा एक नायाब चीज़ है जो कि हम मुसलसल 5 साल से जो मेहनत कर रहे हैं, वो अगर आप फोकस करें तो इस ताज़िये पे जो कि वो माचिस की टीडियों से बना हुआ है। मैं सब जितने भी ताज़िये वाले हैं मैं उनसे चैलेंज करता हूँ कि अगर ये ताज़िया बना के दें तो मैं इनका वेलन गुड बनाऊँगा। आपके पास माचिस की तीलियों से बना हुआ ताज़िया है, तो उसको बनाने में कितना टाइम लगा और कितनी लागत आई? मुसलसल इसमें जो है 1 महीना लगा है और तकरीबन ये समझ लो कि 100 रुपीस आए। दिन ये थे मनाज़िर यौम आशूरा के ताज़िये के जुलूस के, किस तरीके से ताज़ियों का जुलूस बरामद किया जाता है और किस तरीके से उन ताज़ियों को ठंडा किया जाता है, ये मनाज़िर हमने इस वीडियो में आपको दिखाए। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त, देखते रहिए हक पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।